हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मीज इनोवेशंस। आज मैं आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ विंटर्स की खास और मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही गुणकारी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आज हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ की बर्फी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल गुड़ की बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ 2 कप तिल लिया है। तिल हमने ब्राउन वाला लिया है, पॉलिश किया हुआ तिल हमने नहीं लिया है। 1.5 कप हमने गुड़ लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। 2 चम्मच घी लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, तिल गुड़ की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें बर्फी जमाना है। बर्तन को घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि बर्फी बनने के बाद इतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि बर्फी सेट होने लगती है इसीलिए तुरंत डालनी पड़ती है, तो इस काम को हम पहले से ही करके रखेंगे। आप चाहे तो बर्तन में घी लगा सकते हैं या फिर कोई भी बटर पेपर लेकर उस पर घी लगाकर उसमें रख सकते हैं, उससे आसानी से हमारी बर्फी निकल जाएगी। मैंने भी यहाँ बटर पेपर का यूज किया है। चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। अब हम कढ़ाई में तिल डालेंगे और अब हम चम्मच से लगातार चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, और जैसे जैसे तिल भुनने लगेगा इसका कलर चेंज होने लगेगा, तिल भुनने की खुशबू आने लगेगी और तिल चटकने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तिल का कलर चेंज हो गया है, तिल भुनने की खुशबू भी आ रही है और तिल चटकने की आवाज़ भी आ रही है, मतलब हमारा तिल भुन चुका है। इसे हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, नहीं तो टेस्ट में कड़वा हो जाएगा। इसे भुनने में हमें 2 से 2.5 मिनट लगा है। अब हम तिल को बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तिल को हमने बर्तन में निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तिल ठंडा हो चुका है, आधे तिल को हम साबुत रखेंगे और आधे तिल को हम ग्राइंड करेंगे, यानी कि 2 कप तिल में से हम 1 कप तिल ग्राइंड करेंगे और 1 कप तिल साबुत रखेंगे। ये देखिए, हमने तिल को आधा आधा कर लिया है और चलिए तिल को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने तिल को ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तिल को हमने बर्तन में निकाल लिया है और हमने इसे दरदरा ग्राइंड किया है, पाउडर नहीं बनाया है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से ग्राइंड करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। कढ़ाई में घी डालेंगे और अब हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ को चम्मच से थोड़ा फैलाएंगे और अब डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे हमारा गुड़ जलेगा नहीं। गुड़ को मेल्ट होने तक लगातार चलाते रहेंगे। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ मेल्ट हो गया है, अब हम इसे हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पका लेंगे। गुड़ को ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो इसका कलर और टेस्ट चेंज हो जाएगा। बस हमें 1 उबाल आने तक ही गुड़ को पकाना है। और अब हम डालेंगे इसमें रोस्ट किए हुए तिल और ग्राइंड किए हुए तिल और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ इन सभी का यूज नहीं कर रही हूँ, सादा बर्फी ही रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे सेट होने के लिए बर्तन में डाल लेते हैं और किसी फ्लैट चम्मच या स्पैचुला से फैलाकर इसको सेट कर लेंगे। बैटर को हमने फैला लिया है और बैटर सेट होने से पहले ही हमें नाइफ में घी लगाकर अपने मनचाहे आकार में पीसेस काट लेंगे। बैटर सेट होने के बाद में काट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नाइफ में घी लगाकर काटने से पीसेस आसानी से कट जाते हैं और बैटर चिपकता भी नहीं है। ये देखिए, बर्फी के पीसेस कट चुके हैं। अब हम इसे 30 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, बर्फी सेट हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा पीस निकल कर तैयार हुआ है, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। अब हम बर्फी को ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी तिल गुड़ की बर्फी बनकर तैयार है। इसमें से आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बर्फी कितनी सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।
और कमेंट करके बताएं कि आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।